और अब आपको बताएं कि कराची में खुले गटर ने मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली है। शाह लतीफ टाउन सत्रासी नाले में बच्ची गिरकर जां बहक हो गई है। मुजाहिद सईद से मजीद तफसीलात जानेंगे। मुजाहिद, खुले गटर अभी भी मासूमों की जिंदगियां निकल रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? मुजाहिद सईद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि खुले मेन होल कराची में मासूम जिंदगियों की जान निकल रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या इकदामात किए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से? मुजाहिद सईद से तफसीलात भी जानेंगे। कराची में खुले गटर ने मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। शाह लतीफ टाउन सत्रासी नाले में बच्ची गिरकर जां बहक हो गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बच्ची राफिया की तलाश निकाल ली। नाले पर ढक्कन ना होने से बच्ची गिरी। कराची में खुले गटर ने मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। शाह लतीफ टाउन सत्रासी नाले में बच्ची गिर गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बच्ची राफिया की तलाश निकाल ली। मुजाहिद सईद से मजीद जान लेते हैं। मुजाहिद, खुले मेन होल लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, देखें ये बल्दिया उज़्मा की जो है वो नाअहली है और यहाँ के मौजूद हैं नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन हैं, जो वोट्स लेने के लिए तो आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, मिन्नतें करते हैं, लेकिन जो शहरी हैं उनको तहफ़ नहीं पहुँचा रहे। और एक नन्नी जो कली थी वो आज है वो एक गटर में गिर गई, जिस गटर में गिरने की वजह ये थी गटर पे किसी किस्म का कोई कवर्ड नहीं था, जिसकी वजह से बच्ची गिर गई। ना सिर्फ गिरी बच्ची बल्कि बच्ची की लाश को निकालने में तकरीबन एक घंटा लग गया। एक घंटे के बाद इस बच्ची की लाश को निकाला गया है। मोहल्ले में जो है वो कराम मच चुका था और लेकिन जो हुकूमती अदारा है उनकी तरफ से खामोशी दिखाई दे रही है। ना सिर्फ खामोशी दिखाई दे रही है बल्कि जब बच्ची के पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की गई एल ए मोहल्ला ने और पुलिस ने, तो उस पर भी जो है वो यूसी चेयरमैन जो है उन्होंने मदाखलत करते हुए कहा कि बच्ची का पोस्टमार्टम ना कराया जाए, काफी छोटी है, बच्ची के वालिद जो है उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई। इंतजामिया की जानिब से खामोशी दिखाई दी जा रही है। शुक्रिया मुजाहिद सईद।